हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आज हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट फंड का एमसीक्यूज जो डीटी का केस बेस्ड बुकलेट आईसीएआई रिलीज जो किया है उसमें ये है। ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि जैसे कि आपको मिल जाएंगे इसके काफ़ी वीडियो जिसमें सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, बट जब हम एक चैप्टर प्रिपेयर करते हैं जो मैंने ये डिफ़िकल्टी फेस की, अगर वही पर्टिकुलर चैप्टर का एमसीक्यू अगर मिल जाए तो एक आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उस चीज़ को मैंने सोचते हुए ये वीडियो बनाया कि डिफ़िकल्टी नहीं हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट फंड से कैसा क्वेश्चन आया है। सो आई थॉट ऑफ कंपाइलिंग ऑल द इन्वेस्टमेंट फंड एमसीक्यूज एक साथ, चाहे वो सिंगल हो या केस बेस्ड हो। तो इसमें मुझे दो ही दिखे और ये जो आपका बुकलेट है उसमें, और यही हम दो ये डिस्कस करने वाले हैं। एक केस सिनेरियो है और एक ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए और आप इस चैप्टर का आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। पहला है ये जो सिंगल एमसीक्यूज जो है पहले के 100, उसमें से ये 14 नंबर है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। An investment funds income for assessment year 21-22 comprised of the following components. क्या क्या है कि business income दे दिया है 5 crores का, capital loss दे दिया है 3 crores का, investment fund का हमें बता दिया है। फिर दिया है कि all the unit holders of the investment fund have held the units in the investment fund for more than 12 months. What would be the tax treatment? तो यहाँ पर हम लोग को बता दिया है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं वो 12 महीने से ज़्यादा यूनिट्स हेल्ड करके रखे हैं। ठीक है, ये भी हमारा ज़रूरी है। अगर आपने मेरा नोट्स रेफर किया है तो उसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट फंड को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाने की कोशिश की है। आपका 8-10 मिनट में आई थिंक वो कंप्लीट वीडियो है, और उसमें भी मैंने ये बात बार बार बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोर देन 12 मंथ्स वाला हमें जानना है कि यूनिट जो होल्ड किया जाता है 12 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। सो व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हम जानते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम क्या होता है, सिर्फ बिजनेस इनकम होता है। पीजीपीपी इनकम जो होता है वही होता है इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम। बाकी जितने भी अदर इनकम होते हैं वो हम यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल करते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम ही है जो इन्वेस्टमेंट फंड में टैक्सेबल होगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं और फिर हम बताएंगे कि क्या टैक्स ट्रीटमेंट है और कौन सा ऑप्शन सही है और गलत है, कौन सा गलत है और क्यों है। तो पहला है, बिजनेस इनकम ऑफ 5 crores इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। वेल एंड गुड, ठीक है, 5 crore इज टैक्सेबल। द कैपिटल लॉस ऑफ 3 crore हैज़ टू बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड। तो गलत हो गया। हम जानते हैं कि बिजनेस इनकम को छोड़ के कुछ भी अदर हेड ऑफ इनकम हो वो यूनिट होल्डर के हैंड में आ जाएगा। उसी के अगर लॉस है तो भी वो यूनिट होल्डर के हाथ में कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर वो अदर हेड ऑफ इनकम है तो भी वो यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा। यानी कि पहला पॉइंट गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी, बिजनेस इनकम ऑफ 5 crores इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। फिर से गलत हो गया। बिजनेस इनकम तो इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्सेबल होना चाहिए, तो हम ये आगे पढ़ेंगे ही नहीं। सी, बिजनेस इनकम ऑफ 5 crores इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। वेल एंड गुड, द कैपिटल लॉस ऑफ 3 crore कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय ईदर द इन्वेस्टमेंट फंड और द यूनिट होल्डर्स। गलत हो गया। क्यों भाई, यूनिट होल्डर्स तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कैपिटल लॉस को। तो ये हो गया, तो बचा ही हमारा डी जो कि सही होना चाहिए। देखते हैं क्या है। बिजनेस इनकम ऑफ 5 crores इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। वेल एंड गुड, हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड नहीं होगा। और कैपिटल लॉस ऑफ 3 crores कैन बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली बाय द यूनिट होल्डर्स। वेल एंड गुड, मतलब यही सही है। हम जानते हैं एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट कि बिजनेस इनकम जो है सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में टैक्सेबल होगा, अदर हेड्स ऑफ इनकम जो है वो यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा या फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कैपिटल लॉस जो है वो यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और यहाँ पर बिजनेस इनकम जो है इन्वेस्टमेंट के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो डी पॉइंट हमारा करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो केस सिनेरियो है उसका देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो केस सिनेरियोज है उसमें से। वो जो हमने लास्ट देखा था वो इंडिविजुअल जो एमसीक्यूज थे वो थे। ये नंबर 8 देख लीजिएगा आपका केस सिनेरियो, ठीक है। तो नंबर 8 क्या है, एन इन्वेस्टमेंट फंड नंबर 1, ठीक है, दो इन्वेस्टमेंट फंड हम क्वेश्चन में देखेंगे। पहला, इन्वेस्टमेंट फंड 1 इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ LLP हैज 35 यूनिट होल्डर्स ईच होल्डिंग 2 यूनिट्स। तो कितने यूनिट होल्डर्स हैं, 35।
ईच होल्डिंग टू यूनिट्स इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए। हमें क्या ध्यान रखना है कि कितने यूनिट होल्डर्स थे, LLP है ठीक है, और एक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है। द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड वन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज एज फॉलोज। बिजनेस इनकम दे दिया है 14 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे दिया है 21 लाख, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे दिया है 7 लाख। ये सब हमारा रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट फंड वन के लिए। तो हम ठीक है, हम चलिए आगे देखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। और एक इन्वेस्टमेंट फंड टू दे दिया है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी हैज 50 यूनिट होल्डर्स ईच होल्डिंग 4 यूनिट्स। इसमें कितने यूनिट होल्डर्स हैं, 50। एज आई सेड दिस इज इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कितना यूनिट्स होल्ड कर रहा है हर यूनिट होल्डर वो छोड़ दीजिए, हमें ध्यान रखना है 50 यूनिट होल्डर्स। ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी है, ये इन द फॉर्म ऑफ LLP था ठीक है। ऑल यूनिट होल्डर्स हैव हेल्ड द यूनिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। वेल एंड गुड, हम जानते हैं मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए जैसे कि कैरी फॉरवर्ड कर सके एक यूनिट होल्डर, सेट ऑफ कर सके इस बुल के। नेक्स्ट, द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड टू फॉर द प्रीवियस ईयर इज एज फॉलोज। क्या क्या है इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बिजनेस लॉस 10 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 20 लाख का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 6 लाख। मतलब कि बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस है उसको 10-20 लाख का, सिर्फ अदर सोर्सेज है वो इनकम में है, वो है कितना 6 लाख। तो फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कुछ नहीं, बहुत बहुत ईजी है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। दो इन्वेस्टमेंट फंड दिया है, दोनों का रेलेवेंट डिटेल्स दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। मतलब ये पहला हमें क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड वन से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहा है। क्या है ऑप्शंस, 42 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, इतना 120,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर, 21 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, 60,000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर। डी है 14 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, 80,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर। ये कोई सेंस नहीं है ये ऑप्शन पढ़ने से पहले, हमें अपना आंसर देखना है। तो हम देखेंगे अपना आंसर कि क्या है, ऊपर चलते हैं हम। ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो था, हम जानते हैं, हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम कौन सा होता है। इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम सिर्फ बिजनेस इनकम होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है सिर्फ बिजनेस इनकम होता है। तो जो कि है 14 लाख, ये हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम होगा, बाकी हमें कुछ देखना ही नहीं है। और यूनिट होल्डर्स का क्या होगा, बाकी जो है वो यूनिट होल्डर्स का होता है। तो हम ये जान गए हैं कि जो 14 लाख है वो इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम है, और बाकी हम देखेंगे कि क्या है, 21 प्लस 7 हमारा हो गया 28 लाख, वो किसका हो जाएगा, यूनिट होल्डर्स का इनकम। और अगर ईच यूनिट होल्डर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 28 लाख बाय कितने यूनिट होल्डर्स हैं, 35 यूनिट होल्डर्स हैं। तो 28 लाख जो है वो डिवाइड करेंगे 35 से, ईच यूनिट होल्डर के हिस्से में कितना इनकम आएगा, तो हम जब 28 बाय 35 करेंगे तो हमारा आ रहा है 80,000 ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं, हमारा ऑप्शन 14 लाख आगे हम देखेंगे टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट फंड का, तो ये रहा 14 लाख जो है बिजनेस इनकम, सिर्फ वही टैक्सेबल होगा। तो हमारा ऑप्शन डी है, 14 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड 80,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर। 80 लाख कैसे आया ना, 28 लाख से टोटल है बाय 35, 28 लाख मतलब जो अदर हेड्स ऑफ इनकम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 28 है बाय 35 टोटल जो 35 यूनिट होल्डर्स हैं, तो आ जाएगा 80,000 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ईच यूनिट होल्डर। आई होप यू गॉट दिस वन। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, ये हम देखेंगे, व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन द कंपोनेंट ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड वन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड वन ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट फंड वन का जो क्या रेट ऑफ टैक्स क्या है उसके कॉम्पोनेंट में ठीक है। तो हम देखे थे कि इन्वेस्टमेंट फंड वन क्या था, LLP था, उस समय मैंने आपको बोला था नोट करिए, यहाँ हमने देखा था, एक सेकेंड, हाँ ये हम देखे थे LLP था। तो LLP पे क्या टैक्सेबिलिटी रेट होता है, 30%, तो और प्लस 4% HSC लगता है, और सरचार्ज अगर वैसे ही इनकम अगर ज़्यादा हो 1 करोड़ से, बट यहाँ पर तो वो चीज़ सरचार्ज नहीं आएगा, हमारा 30% LLP का टैक्स रेट लग जाएगा प्लस 4% HSC लग जाएगा, और इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम क्या होगा, 14 लाख टैक्सेबल होगा। तो वही हो जाएगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएंगे हम।
ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट फंड का, एंटायर इनकम ऑफ 42 लाख इज टैक्सेबल, नहीं, नॉट एप्लीकेबल कि सिंस इन्वेस्टमेंट फंड एंजॉयज पास थ्रू स्टेटस फॉर ऑल इट्स इनकम कंपोनेंट्स, गलत बात है क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में बिजनेस इनकम तो टैक्सेबल होता है, बाकी के लिए पास थ्रू स्टेटस आप बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इज अगेन डी, दैट इज बिजनेस इनकम ऑफ 14 लाख इज टैक्सेबल एट 30% प्लस सेस है 4%, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया डी। अब नेक्स्ट देखते हैं 8.3 क्या है। विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड टू, अब फंड इन्वेस्टमेंट फंड टू आ गया, फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 से 2021 क्या होगा, तो इसमें कुछ दिया है, इनकम ऑफ 6 लाख फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, एंड लॉस ऑफ 30 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड, फिर दूसरा ऑप्शन है लॉस ऑफ 24 लाख। अच्छा ठीक है, इससे पहले काम करते हैं हम वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जिससे कि हम फिर ऑप्शन देखेंगे तो वो कुछ मतलब बनेगा। सो क्या है ये देखिए, तो इसमें हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंड में जो है बिजनेस इनकम बिजनेस लॉस इन्वेस्टमेंट फंड के हाथों सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या उसके टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पर लॉस है, लेकिन हम ये भी जानते हैं आगे हम सेट ऑफ करेंगे उसके बाद जाके कैरी फॉरवर्ड होगा, तो बिजनेस लॉस 10 लाख है इन्वेस्टमेंट फंड का, ठीक है, बट उसमें से अगर कोई अदर हेड ऑफ इनकम दिख रहा है तो उसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं, फिर बाकी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। हम खाली डायरेक्टली हम बिजनेस लॉस 10 लाख का कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर आपको इसमें इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो रहा है ना, अगर आपका क्लियर है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको कर लोगे आपका क्लियर हो जाएगा, बट अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है ना, एक बार आप मेरा नोट्स रेफर कीजिएगा, आई एम 100% श्योर कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिजनेस लॉस है 10 लाख का, तो उसमें से हम अदर हेड का जो है इनकम का हम उसे माइनस कर लेंगे, मतलब वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो ये 10 लाख से ये दूसरा तो लॉस ऐसे हम कुछ छोड़िए, वैसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है, मतलब इसका तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो अदर हेड का इनकम क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम है 6 लाख, बिजनेस लॉस के हेड में लॉस है 10 लाख, तो यहाँ पर हम इसको सेट ऑफ करेंगे 10 लाख माइनस 6 लाख, तो हमारा कितना बचता है 4 लाख लॉस ही बचता है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट फंड हमारा कैरी फॉरवर्ड करेगा, और बाकी का जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है 20 लाख वो इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कितने पर यूनिट होल्डर कितने कैरी करेंगे, यहाँ 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 यूनिट होल्डर्स ईच, तो हमारा कितना हो जाएगा 40,000 ईच, 20 लाख बाय 50 यूनिट होल्डर्स, तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ है कि 4 लाख जो है कैरी फॉरवर्ड होगा बिजनेस लॉस। देखते हैं, ये तो इनकम ऑफ 6 लाख नहीं, लॉस ऑफ 24 लाख नहीं, बिजनेस लॉस ऑफ 4 लाख, ओके ये हमारा आ गया पॉइंट, तो यही हमारा सही आंसर है, बिजनेस लॉस ऑफ 4 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड जो है बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्यों 4 लाख, हमेशा याद रखिएगा आफ्टर सेट ऑफ ही कैरी फॉरवर्ड होगा, खाली डायरेक्ट 10 लाख नहीं हो सकता है, आगे सेट ऑफ अगर कोई अदर हेड का इनकम है उसे सेट ऑफ होगा, जो कि हमारे केस में 10 लाख माइनस 6 लाख का 4 लाख बचा, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड के हाथों, और जो कैपिटल लॉस ऑफ 40,000 है, 40,000 कैसे आया, 20 लाख जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय 50 यूनिट होल्डर्स ईच थे, तो वही 20 लाख बाय 50, तो 40,000 जो है ईच यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड करेगा, सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। एग्जाम में हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये 10 लाख बिजनेस लॉस ऑफ 10 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर देना, ये देखिए डी ऑप्शन भी दिया हुआ है जिससे कन्फ्यूजन हो जाए, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस वन इज द लास्ट वन, ओके या दिस इज द लास्ट बिट, तो देखते हैं 8.4 क्या है। इफ इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 इन्वेस्टमेंट फंड टू हैज बिजनेस इनकम ऑफ 15 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 25 लाख, देन इट्स टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 वुड बी, मतलब कि हम जो अभी डिटेल्स देखे, एक सेकेंड, ये हमें ये बोला है, ये डिटेल दिया है प्रीवियस ईयर 2021-22, पर वो हम जो डिटेल देखे थे वो 2021 के लिए देखे थे, एक सेकेंड, सो इन्वेस्टमेंट फंड टू का 2021 का डिटेल्स हमें ये दे दिया है कि बिजनेस लॉस 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इतना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इतना हमें दे दिया था, तो हमने देखा, हमने हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड का हम देखते हैं
तो हम इन्वेस्टमेंट फंड का देखें 10 लाख माइनस 6 लाख 4 लाख बचता है उसके बिजनेस लॉस के हेड में, वो जो कि कैरी फॉरवर्ड करता है अगले साल 4 लाख रुपीज़। बाकी तो हमें अदर हेड्स से कुछ मतलब नहीं है, ये तो यूनिट होल्डर्स के हाथों में जो होगा। इन्वेस्टमेंट फंड का खाली हम जानेंगे कि बिजनेस लॉस जो है इन्वेस्टमेंट फंड 4 लाख रुपीज़ का कैरी फॉरवर्ड किया, वही 4 लाख। अब नेक्स्ट ईयर 4 लाख कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि बिजनेस इनकम कितना का है, 15 लाख का बिजनेस इनकम है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 25 लाख। देन इट्स टोटल इनकम। सो इन्वेस्टमेंट फंड में हम जानते हैं कि हमें कैपिटल गेन का कोई मतलब नहीं, बिकॉज इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम खाली कितना हुआ, बिजनेस इनकम ही हुआ। तो बिजनेस इनकम कितना है, 15 लाख है। बट 4 लाख जो है वो कैरी फॉरवर्ड होके आया था ना, लॉस 4 लाख पहले का, वो हम यहाँ माइनस कर देंगे, हम सेट ऑफ करेंगे जो भी लॉस होते हैं। तो 15 लाख माइनस 4 लाख जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ है पहले साल से, तो 15 लाख माइनस 4 लाख दैट इज 11 लाख। तो 11 लाख है टोटल इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड। ये ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने एक डिस्कस किया था जब हमने ये चैप्टर का डिस्कशन किया था, यही चीज़ ऐसे नेक्स्ट ईयर में कैसे हम सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ करना हमें नहीं भूलना है वो 4 लाख पे, डायरेक्ट ये नहीं सोचना है कि 15 लाख होगा। और ये भी हमें गलती नहीं करना है कि इसका भी कैपिटल गेन को प्लस करके बोल देंगे टोटल इनकम, इस बोल के ये कैपिटल गेन वाला पॉइंट दिया हुआ है कि हम कन्फ्यूज हों, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। सो राइट आंसर विल बी 15 लाख माइनस 4 लाख दैट इज 11 लाख। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल और आप इसे कुछ नया सीखें और आपको ये जो एफर्ट्स हैं वो कुछ फ्रूटफुल लगे और कुछ काम आए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा आप वो भी बताइएगा कि जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुआ तभी मैं ऐसा हर चैप्टर को लेके MCQs एक साथ क्लब करके डालूँगी कि आप रेफ़र कर सको। और अगर आपको लगा कि आपको ये ज़रूरत नहीं है ऐसा, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही ठीक है, देन वेल एंड गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।